हेलो फ्रेंड्स, आई एम हेमलता कुंपावर, असिस्टेंट प्रोफेसर SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम कोडिफिकेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कानून का संहिताकरण, कोडिशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोडिफिकेशन क्या है, संहिताकरण का अर्थ क्या है। संहिताकरण का यदि हम अर्थ देखें तो सामान्य शब्दों में, जब विभिन्न राज्यों में प्रचलित कानूनों को व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से संकलित किया जाता है तो वो कोडिफिकेशन कहलाता है। और हर राज्य का अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार अनेक आंतरिक कारणों से निर्धारित होता है। सभी राज्यों का कभी भी इंटरनेशनल जो बिहेवियर होता है वो इक्वल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर एक के अपने इंटरेस्ट, हित, नीतियाँ, पॉलिसीज, उद्देश्यों, पर्पस एवं लक्ष्यों, अचीवमेंट में समानता नहीं होती है। हर एक के अपने अपने उद्देश्य, नीतियाँ और लक्ष्य अलग होते हैं। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के विभिन्न नियमों के बारे में भी उनका जो बिहेवियर होता है, उनके जो व्यूज़ होते हैं, उनके जो अप्रोचेस होते हैं, वो इक्वल नहीं होता है। संहिताकरण से एक ही साथ विभिन्न राज्यों के कानूनों के प्रति दृष्टिकोण को समझा जा सकता है। कोडिजा कॉन्सोलिडेशन ऑफ द स्टेटस लॉ ऑफ स्टेटस कलेक्टिंग ऑल द लॉ रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कोडिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिटिंग इनटू स्टेटस ऑफ कन्वेंशंस, कस्टमरी लॉ एंड देयर रूल्स अराइजिंग फ्रॉम द डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल इज विथ लिटिल और नो अल्टरनेशन ऑफ द लॉ। जैसा कि फेनविक ने संहिताकरण के तीन प्रकार बताए हैं। पहला, विभिन्न राज्यों के संबंधों में व्यवहारिक रूप से प्रयुक्त होने वाले नियमों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग से संकलन किया जाता है। दूसरा, व्यवहार में लाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के नियमों को बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए किए जाने वाले संशोधन सहित कानून के नियमों का संकलन किया जाता है। और इसी प्रकार से राज्यों की आचरण एवं आवश्यकताओं के अनुसार जो संपूर्ण कानून है उसकी व्यवस्था का पुनर्निर्माण किया जाता है। हम बात करते हैं कि संहिताकरण के कब कब प्रयास किए गए। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल कोडिफिकेशन। द आइडिया ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ नेशन। कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ वॉज फर्स्ट मूटेड बाय बेंथम एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। ही सजेस्टेड यूटोपियन इंटरनेशनल लॉ विच कुड बी द बेसिस ऑफ एन एवरलास्टिंग पीस बिटवीन सिविलाइज्ड स्टेट्स। अर्थात अगर हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के संहिताकरण के प्रयास के बारे में सबसे पहला प्रयास देखें तो वह बेंथम का है, जिसने कि 18वीं शताब्दी में अपने इसके कोडिफिकेशन के लिए प्रयास किए। और इसी प्रकार से स्विस जर्मन विद्वान ब्लंशली का नाम भी प्रमुख तौर पर लिया जा सकता है, जिसके अनुसार सभ्य समाज में प्रचलित कानूनी परंपराओं को स्पष्ट तौर पर निरूपित करना ही संहिताकरण का लक्ष्य है। इसी प्रकार से उन्हीं के समकालीन डेविड डडले फील्ड ने 1872 में ड्राफ्ट आउट लाइंस ऑफ एन इंटरनेशनल कोड में कुछ मौजूदा कानूनों को संहिताकरण किया। इसी प्रकार से जो फ्रांसीसी लेबर ने स्थल युद्ध से संबंधित नियमों का संकलन प्रकाशित किया, जिसका नाम था इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन द फील्ड। 1864 में स्विस नागरिक हेनरी ड्यूनॉट के प्रयासों से जिनेवा में रेड क्रॉस सम्मेलन हुआ। यह घायल व बीमार सैनिकों की रक्षा से संबंधित प्रथम सम्मेलन था। इसी प्रकार से वैज्ञानिक निकायों द्वारा भी संहिताकरण का प्रयास किया गया, जैसे राष्ट्रसंघ के कार्यों में समानांतर अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी संहिताकरण के प्रयास किए।
अंतर्राष्ट्रीय विधि संस्थान ने अनेक विषयों का संहिताकरण के लिए चुना। इनमें से विदेशियों की स्थिति, विदेशी नागरिकों के संबंध में न्यायालयों की सक्षमता, इसी प्रकार से नौचालन, राजनयिक विशेषाधिकार, युद्ध एवं तटस्थता संबंधी नियम प्रमुख थे। 1926 में रियो डी जेनेरो में की बैठक में 12 जो सब्जेक्ट्स थे उनको संहिताकरण के लिए चुना गया और इन्हें अमेरिकन इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। इन अभी समयों को अर्थात कन्वेंशंस को 1928 में विधि वेत्ताओं के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसमें 7 अभी समयों को अंगीकृत किया गया। ये 7 कन्वेंशंस इस प्रकार थे, जैसे विदेशियों की स्थिति अर्थात विदेशियों की क्या सिचुएशंस होगी, आंतरिक युद्ध या विद्रोह की स्थिति में तटस्थ राज्यों के कर्तव्य, जो न्यूट्रल स्टेट्स हैं उनकी क्या ड्यूटीज होगी अगर इंटरनल किसी के आंतरिक युद्ध हो, इसी प्रकार से ट्रीटीज, राजनयिकों के अधिकार राइट्स ऑफ द डिप्लोमेटिक्स, वाणिज्य दूतों के अधिकार, सामुद्रिक तटस्थता या फिर राजनीतिक शरण देना। सरकारी स्तर पर भी संहिताकरण के प्रयास किए गए। इसमें सबसे जो पहला था वो था 1864 या 1864 में जिनेवा में एकत्रित 12 राज्यों के सम्मेलन से हुई, जिसमें युद्ध क्षेत्र में घायल व बीमार सैनिकों की सुरक्षा के बारे में विचार किया गया और इसमें कहा गया कि उनके बारे में भी कुछ नियमों का संहिताकरण होना चाहिए। इसी प्रकार 1874 में रूस के जार के आमंत्रण पर ब्रुसेल्स में प्रमुख राज्यों के प्रतिनिधियों ने स्थल युद्ध से संबंधित नियमों का ब्यौरा या मसविदा तैयार किया और इसके बाद हेग सम्मेलन फर्स्ट 1899 और हेग सम्मेलन सेकंड 1907 में स्थल व सामुद्रिक युद्ध के नियमों, घायल व बीमार सैनिकों के संरक्षण के लिए नियमों को निर्धारित किया गया। 1907 के कन्वेंशन में तटस्थ राज्यों के अधिकार एवं कर्तव्यों तथा युद्धरत राज्यों के तटस्थ राज्यों के प्रति कर्तव्यों संबंधी नियम स्वीकृत किए गए। इसी प्रकार से अमेरिकन अंतर्राष्ट्रीय कानून का संहिताकरण भी किया गया। अमेरिकी क्षेत्र के राज्यों के संबंधों में प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का जो संहिताकरण किया गया था वो काफ़ी सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक था। यहाँ पर गैर सरकारी स्तर पर विशिष्ट संस्थाओं द्वारा किए गए संहिताकरण के प्रयासों का पहले उल्लेख इस प्रकार से है कि 1889 तथा 1890 में वॉशिंगटन में, 1902 में मेक्सिको शहर में एवं तीसरा सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ। अमेरिका में जो संहिताकरण हुआ उसमें बहुत सारे विषय थे, जैसे आक्रमण का निषेध, विदेशियों के अधिकार, संधियां, राजनयिक उन्मुक्तियां एवं विशेषाधिकार, वाणिज्य दूतावासों के अधिकार, सामुद्रिक युद्ध में तटस्थता विषयक नियम, राजनयिक शरण संबंधी नियम तथा आंतरिक उपद्रव के समय राजनयिकों की सुरक्षा विषयक अधिकार। उपर्युक्त तो सभी अभिशमनों का मसविदा इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन के तत्वाधान में किया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समय समय पर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके संहिताकरण के प्रयास किए गए। इसी प्रकार से फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हुआ था वहाँ पर भी संहिताकरण के प्रयास किए गए। इसमें इसके लिए 1924 में राष्ट्रसंघ की जो सभा थी, असेंबली थी, उसने एक विशेषज्ञों की समिति को गठित किया और एक लंबे अरसे के बाद विचार विमर्श और शोध के बाद उन्होंने 1930 में हेग में संहिताकरण सम्मेलन बुलाया गया। उसमें प्रारंभिक जो हेग सम्मेलन से जो हुआ था उससे पहले ही संहिताकरण के लिए प्रारंभिक कार्यवाही शुरू हो चुकी थी और इसके 7 विषय चुने गए थे जो कि संहिताकरण के लिए थे, जैसे राष्ट्रीयता, प्रादेशिक समुद्र, प्रादेशिक सीमा में विदेशियों के अधिकार तथा राज्यों का दायित्व, राजनयिकों की निरापदता, बाह्य प्रादेशिकता एवं विशेषाधिकार, संधियों के बारे में नियम, समुद्री तस्करी, समुद्र की संपत्ति के सार्वजनिक प्रयोग। इनमें से फर्स्ट 3 जो थे उनमें 1924 में कार्य प्रारंभ किया जा चुका था,
समिति ने दो और विषय दिए थे, ये थे वाणिज्य दूतों का कानून स्तर और राष्ट्रीय अदालतों का विदेशियों पर क्षेत्राधिकार। इसी प्रकार द्वितीय महायुद्ध या सेकंड वर्ल्ड वार के बाद भी संहिताकरण का प्रयास किया गया। इसमें यूएनओ का जो संहिताकरण के जो चार्टर था उसके अनुच्छेद 13 में कहा गया कि महासभा अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास एवं संहिताकरण की दिशा में प्रगति के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। इसी प्रकार से महासभा के द्वितीय सम्मेलन 1947 में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार किया। आयोग का क्या काम था? आयोग का काम था अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास की संभावनाएं खोजना और उसके कोडिफिकेशन या संहिताकरण में सहयोग देना। इसमें 14 विषय रखे गए थे और उन्हें जो संहिताकरण था अंतर्राष्ट्रीय कानून का उसके लिए उन्हें चुना गया था। अब बात करते हैं हम कि कौन कौन सी ऐसी डिफ़िकल्टीज होती हैं या कौन कौन सी ऐसी कठिनाइयां आती हैं जो कि कोडिफिकेशन के लिए मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। तो द मेन डिफ़िकल्टी जो है वो है, जैसे सर सेशिल हर्स एप्टले ने रिमार्क किया है कि इफ़ इट इज लेफ्ट टू गवर्नमेंट टू मीट इन कॉन्फ्रेंस फॉर द पर्पज़ ऑफ डिसाइडिंग व्हाट आर द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इट इज इन्वेंटिबल दैट देयर एफर्ट्स विल बी डायरेक्टेड टू एग्रींग और ट्राइंग टू एग्री ऑन द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एज दे ऑट टू बी द एग्जाम्पल रूल्स विच वुड बी अप्रोशिएट टू द प्रजेंट रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट एंड डेलीगेट्स विल फाइंड दैट द एनवायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट सो डाइवर्सिफाइड सो कंट्ररी द एग्रीमेंट इज इम्पॉसिबल। अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय जो संहिता अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत जो संहिताकरण है उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, जैसे कि जो इसके अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम है वो राज्यों की सार्वभौमिक सत्ता में बाधा नहीं बनने चाहिए और कोडिफिकेशन तभी संभव हो पाता है जबकि अन्य राज्यों की इच्छा के साथ वो समन्वय कर पाता है। तो संहिताकरण के बारे में हम ये कह सकते हैं कि संहिताकरण अंतर्राष्ट्रीय विधि का संहिताकरण बहुत ज़्यादा उपयोगी एवं आवश्यक है और इसके अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि राज्य किस नियम को मानता है, उसके व्यवहार का क्या अध्ययन करके बताया जा सकता है। राज्यों के व्यवहार के तुलनात्मक अध्ययन से यह भी पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का नियम कौन सा नियम सर्वाधिक प्रचलित है एवं किस क्षेत्र में नियमों का पूर्ण अभाव है। तो राज्यों के बीच विरोधी प्रवृत्तियों विरोधाभासों को समाप्त करने में संहिताकरण काफ़ी उपयोगी और सहायक होता है, ऐसी हम आशा कर सकते हैं। थैंक यू।